थाना प्रभारी वैजनाथ शर्मा की निष्क्रियता के चलते नौगांव थाना क्षेत्र में बिक रही है जगह जगह अवैध शराब। तहसीलदार बीपी सिंह ने पकड़ी अवैध शराब। नौगांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्रामीण अंचलों में खुलेआम कच्ची महुआ की अवैध शराब की बिक्री धड़ल्ले से हो रही है, लेकिन पुलिस प्रशासन ने आंखों पर काली पट्टी बांध रखी है। लेकिन मजाल है जो इसके चलते ग्रामीण क्षेत्र में अवैध शराब का कारोबार अमरबेल की तरह फल फूल रहा है। आबकारी और पुलिस विभाग का अवैध शराब विक्रेताओं को खुला संरक्षण मिल रहा है। वही ईमानदार तहसीलदार बीपी सिंह द्वारा बुधवार को से 5 बजे के लगभग 35 क्वार्टर मसाला और 44 क्वार्टर सादा देशी शराब सब्जी मंडी नौगांव से तहसीलदार ने शराब पकड़ी। वहां तहसीलदार अपने वाहन चालक दीपक यादव के साथ थे। शराब माफिया सब्जी मंडी में बेच रहा था अवैध शराब। बड़ी मजे की बात यह है कि थाना प्रभारी बैजनाथ शर्मा की कई बार सामाजिक संगठनों द्वारा शिकायत की गई, लेकिन पुलिस अधिकारियों द्वारा उनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं की गई। इससे स्पष्ट झलकता है कि नौगांव थाना प्रभारी के ऊपर राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होने के साथ साथ वरिष्ठ अधिकारियों का भी संरक्षण प्राप्त है।